الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. मुतफ़ अल बुखारी मुस्लिम की एक छोटी सी हदीस है और इस हदीस में एक बहुत अहम बात बताई गई है और जो अहम बात यह है कि ज़िंदगी में इंसान के रज़ में बरकत का एक सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिक्र किया है हम देखें कि हमें से हर शख्स अपने रज़ में बरकत के लिए या रज़ उसकी बढ़ जाए उसके लिए बहुत सारे इसबाब आदमी अपनाता है कितने लोग दुआएं भी आते हैं पूछते हैं भाई रिस्क बढ़ जाए रिस्क में बरकत हो जाए दुआएं पूछते हैं सवालत करते हैं और हर शख्स चाहता है उसके रिस्क में बरकत हो इस हदीस में अल्लाह के नबी नबीम ने एक अमल बताया है जिस अमल की बुनियाद पर दो बड़ी जो है इंसान की जिंदगी में दो चीज़ों में बरकत होती है आप फरमाते हैं अनसबिन मालिक रदी अल्लाह से यह हदीस है कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल म को फरमाते हुए सुना कि जो आदमी चाहता है कि उसके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे और उसके उम्र में अल्लाह ताला बरकत दे उसकी उम्र बढ़ जाए उसके बाद उसका असर बाकी रहे लोग बहुत दिनों तक उसको याद करते रहें वो दुनिया से चला जाए फिर भी उसका नाम बाकी रहे जो आदमी चाहता है कि ऐसा उसके साथ हो जिंदगी में जब तक है उसका रिस्क बढ़ जाए जिंदगी से चला भी अगर जाता है तो उसका असर बाकी रहे हाँ और या तो उसकी उम्र बढ़ जाए या उसके जाने के बाद लोग उसको याद करते रहें अगर ये दो चीज़ चाहता है फल यसिल रही इलाज क्या बताया आपने दवा क्या बताई अमल क्या बताया कि वो सिला करे रहमी रिश्तों को जोड़े रहमी रिश्ते हर रिश्ता रहम वाला नहीं होता है लेकिन जो रहमी रिश्ता है जिसका ताल्लुक खून से है उन रिश्तों को जोड़े उनको काटने से बचे तो अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में सिला रहमी करता है भाई बहन का रिश्ता मां बाप का रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता और इस तरह से भाई भाई का रिश्ता ये जो रहमी रिश्ते हैं जिनका ताल्लुक खूनी रिश्ता है इनको जो आदमी जोड़ता है अल्लाह रिस्क में बरकत दे देता है और उसकी उम्र अल्लाह बढ़ा देता है आज आप देखें कि आदमी बहुत सारे असबाब अपनाता है रिस्क में बरकत के लिए ठीक है बहुत सारे असबाब है रिस्क में बढ़ने के लिए बरकत के लिए बहुत सारे असबाब हैं लेकिन एक सबब इस हदीस में बताया गया कि सिलहि है तो जहां एक आदमी बहुत सारे असबाब ढूंढता है उन्हीं में से आदमी को अपनी जिंदगी में गौर करना चाहिए अगर उसके रिस्क में बरकत नहीं हो रही है परेशानियाँ आ रही हैं उसकी ज़िंदगी में माशी अतबार से तंगी आ रही है तो अपनी जिंदगी में गौर करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा कोई जुर्म करके बैठा हूं कि मैं रिश्तों को काट के बैठा हूं कितने लोग होते हैं जाहिर एतबार से दीनदार होते हैं मस्जिद की जिंदगी बहुत अच्छी होती है मुतकी होते हैं परहेजगार होते हैं लेकिन भाई भाई से कितने सालों से बात नहीं किया उसने बहन से कितने सालों से रिश्ता तोड़ के बैठा हुआ है कितने लोग अपने वालदेन से रिश्ता तोड़ के बैठे हैं सालों साल बात नहीं करते हैं कोई बाप से कोई मां से और फिर आकर के दुआ पूछे कि कोई दुआ बता दीजिए रिस्क में बरकत हो जाए तो एक आदमी को उस सुराख का पता लगाना चाहिए कि जिस सुराख से बरकत निकल रही है बरकत आ नहीं रही है जो कमा रहा है सारी चीजें जा रही कहीं ऐसा तो नहीं उसकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह या कोई ऐसा अमल करके बैठा है वो जिसकी वजह से बरकत टिकती नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं गौर करना चाहिए अपनी जिंदगी में तो बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी बातों में अपने रहमी रिश्तों को काट के बैठे हैं मेरे भाई 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 का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है इसे जल्दी काटना नहीं चाहिए माँ बाप का रिश्ता ऐसे खूनी रिश्ते इन्हें जोड़ें जोड़ें इन्हें अगर कोई कटना भी चाहता है ना आप जुड़ें नबी क्या फरमाते हैं असल जोड़ने वाला वो नहीं है कि जो सामने वाला जुड़ रहा है तो हम भी जुड़ रहे हैं जो बदले में जुड़े वो असल जोड़ने वाला नहीं है असल जुड़ने वाला या असल सिला रहमी और जोड़ने वाला तो वो है कि सामने वाला कटना चाहता लेकिन ये जुड़ना चाहता ठीक है भाई मुझे तो उससे बात नहीं करना लेकिन ये जब मिलता है तो सलाम करता सलाम अलैकुम ये हमेशा लगा रहता है ये नहीं कटना चाहता वो सामने वाला कट रहा है ठीक है भाई वो लेकिन मैं नहीं कटूंगा जहां मिलेगा सलाम करूंगा जब मौका आएगा दावत भी दूंगा ठीक है वो नहीं आता लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तो रिश्तों को जोड़े इससे क्या होगा जिंदगी में बरकत आएगी इसलिए इस हदीस में जो बहुत अहम बात बताएगी कि आपने क्या फरमाया जो चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ जाए और उसके रिस्क में अल्लाह बरकत दे दे वो रहमी करे रिश्तों को जोड़े इसलिए हम अभी से अपनी मौत से पहले पहले कम से कम ये रोज़ाना गौर करना चाहिए कहीं मेरी जिंदगी में ये जुर्म तो नहीं हो रहा है देखिए रिश्तों के काटने के और बहुत सारे गुनाह हैं यानी जो है उसके गुनाह भी हैं और बहुत सारे असरात भी हैं हदीस में क्या फरमाया गया जो आदमी रिश्ते काटता वो जन्नत में नहीं जाएगा और बहुत सारे उसके जुर्म बताए गए गुनाह बताए गए कि उसके लेकिन ज़िंदगी में जो सवाब जो बरकत है कि रिस्क में अल्लाह ताला बरकत देता है इसलिए हम रिश्तों को जोड़ें अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने खूनी रिश्ते रहमी रिश्तों को अल्लाह ताला हमें जोड़ने की तोफ़ी तह फरमाए हमारे रिश्तों में मोहब्बत पैदा कर दे नफरतों से अल्लाह ताला हमें बचाए और नफरत अल्लाह ताला हमारे रिश्तों में अगर आ गई है अल्लाह ताला हमें उसे खत्म करने की तोफीक अदा फ़रमाए आमीन तकबल या रब्ब आलमी व वरहमल ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान